नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मोहन तिवारी। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का केरल के पलक्कड़ में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलक्कड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम के साथ मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्स है, चुनाव में दिखावे के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। केरल की राजनीति का सालों तक रखा गया सबसे खराब सीक्रेट UDF और LDF का दोस्ताना समझौता था। पहली बार मतदान करने वाला युवा पूछ रहा है कि ये मैच फिक्सिंग क्या है। 5 साल एक लूटता है और दूसरा लुटता है। लोग देख रहे हैं कि UDF और LDF लोगों को गुमराह करते हैं। पीपल आर सीइंग हाउ UDF एंड LDF मिसलेड पीपल इन वेस्ट बंगाल। कांग्रेस एंड लेफ्ट आर वन। कांग्रेस एंड लेफ्ट वेर पार्टनर्स इन UPA वन इन दिल्ली। द लेफ्ट कंटिन्यू टू गिव इश्यू बेस्ड सपोर्ट टू UPA 2, बट हियर इन केरला ड्यूरिंग द इलेक्शन दे पुट एलिगेशंस एंड आफ्टर कमिंग टू पावर दे नेवर एक्ट ऑन इट। देयर बिहाइंड द सीन गेम्स आर नाउ एक्सपोज अबाउट UDF एंड LDF। The youth of Kerala is saying different name, working same, but have their mark areas for making money. UDF has not even spared the rays of the sun. About LDF, it can be said Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver. LDF had betrayed Kerala for a few pieces of gold. केरल में चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सबरीमाला और लव जिहाद पर कानून लाने पर जोर दिया है। केरल चुनाव पर हर बड़ी अपडेट NBC हिंदी आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।